बोल ही नहीं रहा है। जमीन से बात करिए, शांति से बात करिए। ओ भाई यार, मैं सुबह से परेशान हूँ। सोच के मेरे सर में दर्द होने लगा, मेरा सर फटने लगा कि ये नादान सी चिड़िया, ये जो चिड़िया ना, नादान सी संस्कारी लड़की, ये किससे लड़ मरी। मैं सोच के परेशान हूँ, मेरे सर में दर्द होने लगा भाई साहब। इसके बारे में रिसर्च करते 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 मेरी आंखों में जो है चश्मा लगने वाला। मैं बहुत परेशान हूँ यार, सुबह से रिसर्च कर रहा हूँ कि ये किससे लड़ मरी। सर में दर्द हो रहा है सुबह से कि इस नादान चिड़िया से, संस्कारी लड़की से कौन ऐसा बंदा है किसके अंदर इतना बड़ा जिगर है, इतना बड़ा जिगर है जो इससे भिड़ गया। भाई साहब, इससे भिड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। मुझे जो हजम नहीं हो रहा था कि इससे लड़ा तो लड़ा कौन। ये क्या बात करता है यार? यार मुझे हजम नहीं हो रहा था कि इस संस्कारी लड़की से, इस नादान चिड़िया से कौन बंदा लड़ गया। भाई साहब, मैंने रिसर्च करी, मैंने 100-200 लोगों को बैठाया। अकेला ही था मैंने। भाई साहब, इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च करी, मैं पागल हो गया रिसर्च करते करते। मुझे वो बंदा नहीं मिल गया था जिसने इस बंदी के साथ पंगा लिया। वो बंदा कौन था आखिर जिसके पास इतना बड़ा कलेजा था, मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैं बहुत परेशान था, मेरे सर में और आंखों में दर्द हो गया था ढूंढते। लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था ना इसके बारे में, तो मुझे इसकी एक वीडियो दिखी। ये देखो, इसने अपने फोटोज से कपड़े बना रखे हैं अपने। है तो बहुत संस्कारी बेटी, ये बढ़िया था। फिर यार मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने कि इसने इतनी इतनी अच्छी वीडियोस डाल रखी हैं, इतनी इतनी अच्छी पिक डाल रखी हैं, क्यों ना इन वीडियोस के कमेंट चेक करे जाए। फिर मैंने पता क्या करा, मैंने इनके कमेंट चेक करे। मैंने सोचा कि आपका इन कमेंट्स में वो बंदा मिल जाए जिसके पास इतना बड़ा जिगरा था, जिसने इस नादान चिड़िया से पंगा लिया। लेकिन भाई साहब, मैंने इसका पूरा कमेंट सेक्शन खंगाल डाला, मुझे वो बंदा नहीं मिला जिसके पास इतना बड़ा जिगरा था, जो इस नादान चिड़िया से भिड़ गया। मैंने भाई साहब इसकी सारी वीडियोस देखी, वीडियोस देखने के बाद इधर देख लो, इसकी सारी वीडियोस देखे और मैंने इसके सारे फोटोज देखे। मैंने सोचा हो सकता है शायद वो बंदा इसके कमेंट सेक्शन में मिल जाए जिसके पास इतना बड़ा जिगर है, जो इससे भिड़ गया। लेकिन मुझे वो बंदा नहीं मिला और इसकी क्रिंज भरी वीडियो मुझे देखनी पड़ गई। मेरे सर में और आंखों में दर्द होने लगा। आप भी देख लो इधर, आप भी इसकी क्रिंज भरी वीडियो देखते जाओ। भाई साहब, ये कपड़े पहनती नहीं है, ये कपड़े उतारती। भाई साहब, इसका फैशन गजब है यार। मैं ढूंढते परेशान हो गया उस बंदे को, जिस बंदे ने इससे पंगा लिया। मुझे वो बंदा नहीं मिला यार, मैं बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। इसकी मैंने 2-4 वीडियो और देखी जो अभी इन्हें रिसेंट में अपलोड करी हैं। ये देख लो बेटी, इसमें तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। इसमें तो कभी संस्कारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। फिर मैंने उसके बाद इसकी एक और वीडियो देखी, ये देख लो। मन कर रहा है ना, कुछ मन नहीं कर रहा। मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिस बंदे ने इससे पंगा लिया। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ढूंढते थक गया। फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया, मैं कभी भुलक्कड़ हूँ, मैं कभी पागल हूँ यार। बंदा मेरे दिमाग में और दिल में बैठा हुआ है जिसने इससे पंगा लिया, जिसके अंदर इतना बड़ा जिगरा है, और मैं सुसरा इसकी वीडियो पे जाके कमेंट सेक्शन चेक कर रहा हूँ। मैं पागल हूँ कतई, हूँ ना मैं पागल, कतई पागल हूँ यार। मुझे याद आया, पता है क्या हुआ था एक दिन ना, उर्फी जावेद मुंबई है, जो मुंबई में गई, ये खेतों में जो गाँव होते हैं, गाँव में खेत होते हैं, तो उर्फी जावेद खेतों में गई घूमने। तो पता है क्या, वहां पे उसे बहुत जोर की टट्टी लगी। क्या बोला तूने? टट्टी बोला। टट्टी लगी, बहुत जोर की टट्टी लगी। तो पता है क्या करा उर्फी जावेद ने, मेड़ पे वहां पे बैठ के ये हगने लगी। अभी पूरी बात सुनो। तो मेड़ पे बैठ के ये हगने लगी। उर्फी जावेद ने भाप पे हगा, और पता है क्या, अपनी टट्टी की रखवाली करने के लिए उर्फी जावेद थोड़ी दूर जाके बैठ गई।
थोड़ी सी दूर जाके बैठ गई उर्फी जावेद। जब वहाँ जाके बैठी तो फिर ये अपनी वीडियो बनाने में जो है बिजी हो गई, वीडियो बनाने में बिजी हो गई। इन्हें सोचा जब मेरी टट्टी सूख जाएगी तो मैं उसे भर के अपने घर ले जाऊंगी, लेकिन पता है क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उर्फी जावेद को अचानक से याद आता है अपनी क्रिंज भरी वीडियो बनाते बनाते और अपने क्रिंज भरे फोटो खींचते खींचते कि मैंने मेरे पे हगा था और उस टट्टी को पैक करके मुझे घर ले जाना। तो क्रिंज वीडियो बनाते बनाते वो वहाँ से जाती है उस मेड़ की तरफ, जिस मेड़ की तरफ तो उसने हगा था, लेकिन भाई साहब वहाँ पहुँच के उर्फी जावेद की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसकी टट्टी वहाँ से गायब होती है। रुको अभी जरा सब्र करो। तो भाई साहब लड़ाई जो हो रही है ना, ये उर्फी जावेद लड़ रही है किसी बंदे से, तो ये वो बंदा है ना जिससे लड़ रही है उर्फी जावेद। लड़ने की वजह पता है क्या? जिस बंदे ने उर्फी जावेद की टट्टी उठाई थी मेड़ पे से। तो भाई साहब ये उर्फी जावेद अपनी टट्टी के लिए लड़ रही है, भाई साहब संघर्ष कर रही है। तो भाई साहब लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इसी बात की है, उर्फी जावेद की टट्टी कोई उठा के ले गया। मैं तो भाई साहब उस बंदे को दाद देता हूँ जिसका इतना बड़ा कलेजा जो उर्फी जावेद की टट्टी उठा के ले गया। और भाई साहब अब उर्फी जावेद संघर्ष कर रही है, लड़ रही है अपनी टट्टी के लिए उस बंदे से। देख लो भाई साहब दबा के लड़ रही है, मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखा, अभी मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ जिसके अंदर इतना बड़ा जिग रहा है उर्फी जावेद यार। भाई साहब उर्फी जावेद अपनी टट्टी के लिए लड़ रही है, भाई साहब उसके पास कुछ नहीं है लड़ने के लिए, अपनी टट्टी के लिए लड़ रही है। जिस्म तो वो सब दिखा देती है, उसके लिए तो नहीं लड़ेगी, वो टट्टी के लिए लड़ रही है अपनी टट्टी के लिए। कैसा लगा मेरा मजाक? भाई साहब वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया है, मेरा किसी से भी हेड नहीं है, मेरा उर्फी जावेद से भी कोई हेड नहीं है, जरा भी हेड नहीं है उर्फी जावेद से जरा भी। बस मैंने वीडियो देखी उर्फी जावेद की, उर्फी जावेद किसी से लड़ रही थी दबा के लड़ रही थी, तो मैंने भाई साहब इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बना दिया, मैंने मौज मस्ती के लिए वीडियो बना दिया, मेरा उर्फी जावेद से कोई हेड नहीं है। उर्फी जावेद का फैशन मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नंगा नाचे कुछ भी करे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया। और भाई साहब अगर आपको वीडियो पसंद आए, जरा भी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम आईडी रही ये। और इसी तरह की वीडियो चैनल पे आती रहेंगी, अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों बाय। सॉरी डार्लिंग, राज घड़ी ज्यादा ले गया।